हो नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम अभिनंदन। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। वेरी 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 गुड मॉर्निंग जी। की हाल चाल सोने हो? बढ़िया, मैं तो एकदम चंगी, वधिया, माता दी कृपा। तो फिर लिख दो कमेंट्स में, जय माता दी। हाँ जी, हम तो बिल्कुल ठीक हैं। तुसी सुनाओ सोने हो। आज मैं आपको बताऊँगी, आपके अंदर ऐसे बहुत से रिश्ते होंगे, बड़ी आपके अंदर दबी हुई चीज़ें होंगी। आप बड़े दिन से सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे होंगे, बट आप पास नहीं हो पा रहे। आपको मनचाही जॉब नहीं मिल रही, आपको इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा, आप कनाडा नहीं जा पा रहे। ओफो, क्यों हो रहा है ऐसा? मैं थक गई हूँ बीमारी की दवाइयाँ खा खा के। आई वॉन्ट टू गेट हेल आउट ऑफ दिस। यू वॉन्ट? देन ये वीडियो टिल एंड तक देखिए। अभी जो माहौल, वक्त, समय चल रहा है, जहाँ शनि उदय है, जहाँ गुरु उदय है, मात्र एक मोमबत्ती आपकी जिंदगी में बदलाव लेकर आएगी। आपको क्या करना है? काले रंग की मोमबत्ती बाजार से खरीद कर लेकर आनी है। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठना है, बिना नहाए धोए ये उपाय करना है। हाँ हाँ, पता है, आलसी है, नहाओगे नहीं। अरे कितने लोग तो ये इतना आसान उपाय भी नहीं करेंगे, इतना ईजी उपाय भी नहीं करेंगे। थोड़ा सा उपाय भी ना करने की जरूरत पड़े, अगर नेचर को बदल दो, थोड़ा सा ऐसे हो जाओ ना, जैसे एक स्माइली वाली बॉल देखी है, ऐसे दबाओ तो बंद हो जाती है, ऐसे खोलो तो अपनी शेप ले लेती है। बस इंसान अगर ऐसा हो जाए ना, तो हमें कोई उपाय, किसी डॉक्टर वायरा गोली मारो, डॉक्टर वायराखी को ज़रूरत ही नहीं है। अरे आप खुद अपनी डॉक्टर वायराखी हैं। हमारे अंदर सारा ज्ञान है, सब पता होता है हमें, बट हम करते नहीं हैं। अब एक काले रंग की मोमबत्ती खरीदने में कोई आलस मत करना। एक काले रंग की मोमबत्ती कभी भी खरीद लीजिए, शनिवार वाले दिन या मंगलवार वाले दिन सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के बिना नहाए धोए आप इस उपाय को कर सकते हैं। सामने बैठ जाइए और बैठ कर टेक अ दिस काइंड ऑफ पेपर, पेपर शुड बी वाइट, एक प्लेन पेपर ले लीजिए और उसके अंदर अपनी सारी बुराइयाँ लिख दीजिए। मेरा गुस्सा, मेरा रिलेशंस जो ख़राब हो रहे हैं, मेरा कर्जा, मेरा लोन, मेरी जॉब ना होना, मेरी शादी ना होना, जो भी आपके अंदर कमियां हैं, जो भी आपके अंदर बुराइयां हैं, सिर्फ नेगेटिव लिखिए। भाई मेरी शादी नहीं हो रही, मेरा मोटापा कम नहीं हो रहा, मेरे मम्मी पापा से मेरे रिश्ते अच्छे नहीं हो रहे, मेरी माँ मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही, मेरी भाभी से मेरी अच्छी नहीं बन रही, मेरा बॉस मुझसे क्यों नाराज़ है, क्यों मेरी ज़िंदगी में सब प्रॉब्लम्स है, बड़ 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 लिख दीजिए। लेकिन जो एक बार लिख दें उसे दोबारा पढ़िएगा मत। और ये सब कुछ आप ब्लैक कलर के पेन से लिखिएगा, वाइट कलर का पेपर होना चाहिए। उसके बाद उस मोमबत्ती को काले रंग की अपने सामने जलाइए, 2 मिनट तक उस मोमबत्ती को लगातार देखिए। देखने के बाद आप इस पेपर को उठाइए और इस तरह से इस पेपर को उसमें जला दीजिए। पूरी तरह से पेपर जल जाएगा, उसकी कुछ ऐश और राख नीचे होगी, उसे इकट्ठा करिए एक पेपर में और फ्लश आउट कर दीजिए। फ्लश आउट करने के बाद मोमबत्ती को पूरा जलने दीजिए। मोमबत्ती पूरी तरह से जलकर जब बुझ जाए तो समझिएगा आपकी सब नेगेटिविटी खत्म हो गई। अब जाइए, सोना है सो जाइए। अगर आप नहाना धोना चाहते हैं तो मैं तो आपसे सजेस्ट करूंगी, कितना अच्छा काम किया है आज अपने अंदर की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बुराइयों को आपने खत्म किया है। पॉजिटिव होकर नहाइए धोइए, गंगा जल पीजिए, मंदिर जा सके तो मंदिर जाइए, गुरुद्वारे जा सके तो गुरुद्वारे जाइए। देन थोड़ा सा अपना समय अपने आप को दीजिए और आप महसूस करेंगे कि विद इन 40 डेज एक एक करके वो परेशानियाँ ख़त्म हो रही हैं, वो परेशानियाँ सॉल्व हो रही हैं और लाइफ सेटल हो रही है। इन उपायों को करना शुरू कीजिए और इस उपाय को आप एक बार मंगलवार, एक बार शनिवार कर लीजिए। बस 2 बार ही में आपका काम हो जाएगा। उपाय में पिछली बार जो भूल गए थे इस बार लिख लीजिए, पिछली बार नहीं लिखा था तो इस बार भी लिख सकते हैं। टाइम 4 से 6 के बीच में हो सकता है। कोशिश करें कि जब यह उपाय आप करें तो आपको कोई ना देखे। आप इस उपाय को घर में, छत में, बालकनी में, ऑफिस में, कहीं भी कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा, आप मेरा परिवार है और मुझे आपकी चिंता है। बस एक स्माइल खुद को शीशे में खड़े होकर दे दीजिए। जब 2 मिनट हंसने से सेल्फी अच्छी आ सकती है, तो हमेशा मुस्कुराने से ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। जय माता दी।